हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। तो मुझे सूचना मिली और जौनपुर सिटी से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक फिरोजपुर गांव है, कुटान के जस्ट बगल में। तो दोस्तों, यहां पर हम आए हैं, परिवार काफी भयभीत है और कच्चा मकान है। इस मकान में आए दिन सांप निकलते रहते हैं, कभी कभी बेबी कोबरा निकलते हैं, जिस हिसाब से हमको वीडियो का फोटेज गया तो देखिए उसमें कहीं कोबरे का बच्चा ही सब निकल रहा है। तो परिवार भयभीत है और ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई है, आज ये मकान गिरेगा और इसमें से जितने भी सांप होंगे सब के सब बाहर आएंगे। तो जो भी होगा वो आपकी नजरों के सामने होगा। नजरें जमाए रखिए, फटाफट के अंदाज में दिखाते हैं आपको, निकाल के एक एक चीजों से रूबरू कराते हैं। अभी जो जंतुओं को बचाइए, बड़ा अच्छा लगता है, आपका सहयोग होता है। आइए दिखाते हैं आए क्या हो रहा है। आराम आराम से निकालिए, आराम से। तो दोस्तों, इसमें ये काफी पुराना मकान है, आज के 50 वर्ष पहले से, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ, इसके बाद से हर गांव में, हमारे उत्तर प्रदेश के गांव में इसी तरीके से मकान बनते थे और ये काफी रियायती माना जाता था। तो इंसान जहाँ रहता है अपना आसियाना बना के रखता है वो किन किन प्रकारण। तो अभी इसके पहले 24 घंटे पहले यानी 48 घंटे पहले आए दिन इसमें से सांप निकला करते थे, और जो बेबी कोबरा जिसको कहते हैं, तो लोग अपने भय की वजह से कुछ तो पकड़ने की फिराक में कुछ ऐसे वैसे में मार दिया करते थे। तो अब गांव के लोग हैं, अपने बचाव के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज ये मकान गिरने वाला है जेसीबी के साथ, क्योंकि इसमें और भी सांप हो सकता है। तो एक एक करके सारी चीजों को हटाया जा रहा है जो आपकी नजरों के सामने है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये काफी पुराना घर है और लगभग 1.25 मीटर चौड़ी ये मोटी दीवाल है, और पहले के लोग इसी घरों में अपना आसियाना बना के रखते थे। तो ये गर्मी के महीने में ठंडा रहता था और ठंडक के महीने में गर्म रहता है, तो इसमें काफी कंफर्टेबल महसूस होता है, लोग इसमें बड़े शौक से रहते हैं। और ये पाटा बना है, इसके ऊपर चढ़ करके भी बहुत सी सारी व्यवस्थाएं हैं ऐसी इस तरीके से। तो इसके अंदर काफी ठंडा है ना सर? एकदम सर। जी जी, चूहा कमाल है, केचुल है। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस केचुल को देखकर कैसा लग रहा है, जैसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो वही तो होगा ही, और दूसरा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी के घर में वही सांप अक्सर पाए जाते हैं, कभी कभी तो करैत भी निकलते हैं। तो दोस्तों, आज इस घर को गिराने के लिए जिसमें काफी सांप छिपे हुए हैं, तो जेसीबी आ चुकी है, इसको गिराया जाएगा और आपके सामने होंगे जो भी सांप होगा, जो भी जीव जंतु होगा, इस घर में ताल बंद करके छिपा होगा, वो निकलेगा और आपके सामने निकलेगा। तो आप भी नजरें जमाए रखिए, फटाफट साथ नहीं छोड़िएगा जब तक सांप निकल जाएगा। मन का हमारी यही मजे ले जाए बाहर, तो सब अपन ही देखा है इतना घर था माटी गुजरे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का ये एक है यानी अंडा है, यहाँ से देखना है यही। पीछे रहो भाई, और पीछे हो जाओ यार, और पीछे हो जाओ। Thank you.
क्या है वो बाहर? इधर निकला है कैसे पाएंगे यार वहाँ, देखते रहिए सिर्फ इधर आप। रुक जाओ यार, रुके रहो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये घर में जगह नहीं है, और इसके बाद ये इंडियन मॉनिटर लिजार्ड इसे कहते हैं, और जगह न होने की वजह से ये बेचारा इसी में घुसने की फिराक में लगातार बना हुआ है। तो चलिए हम इसे पकड़ते हैं और बाहर निकालते हैं। दोस्तों खतरा तो बना रहता है, अभी बिग साइज का होने के नाते आराम से करिए। बोलिए भैया थोड़ा प्लीज, कोई बोलेगा नहीं भैया, थोड़ा काम कर लीजिए। तो दोस्तों इसे ही इंडियन मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं। ऊपर था बता रहे, देख रहे हैं। अच्छा, प्लास्टिक बोरी, प्लास्टिक बोरी। तो उसी के बच्चे को लोग गांव में अक्सर बिस्कोपड़ा के नाम से जानते हैं, और ये कच्चा मकान गिन रहा है, तो इसमें बहुत से सारे जीव जंतु निकलते रहेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं, आप कैसे चलिए एक साथ ना गिरवाइए, देख देख के आराम से। आराम आराम से, सही बात। देखो ध्यान से कहाँ गया था। नीचे गिरा होगा, नीचे गया वो, नीचे दोस्तों इसे ही इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं। हालांकि ये काफी बिग साइज का है, तो थोड़ा सा डरने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन ये हमारे घरों में अक्सर दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, और काफी मोटा और काफी ताजा।
तो दोस्तों जौनपुर सिटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर काफ़ी मेहनत करना पड़ा, काफ़ी छेड़छाड़ करना पड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं करें, क्योंकि काम ये एक एक्सपर्ट के लिए है। खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो गया सर, देख लिया। दोस्तों काफी कड़ी मेहनत के बाद इसे कैच किया गया और आज मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा शख्स देखा जो सारे घर को गिरा करके कोबरा सांप को कैच करवाया। दोस्तों तो ये मौत बनकर अक्सर हमारे घरों में ऐसा ही टहलता रहता है, तो इसे हम कैच कर लिए हैं और बिग साइज का है। इसकी उम्र दोस्तों लगभग 22 साल है दोस्तों, और अब तक का सबसे बिग साइज का कोबरा सांप है ये। इसके काटने पर आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए और कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। थोड़ा भी आप लोग शांति बनाए रखिए। देखिए दोस्तों इसे हम पैक करते हैं, इसी को इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं हमारे यूपी में, और इसी को नाग कहते हैं, और इसी को, हालांकि इसका नाम तो बायोलॉजिकल नाजा नाजा है, और नाजा नाजा में काफी बिग साइज का ऐसा तो हमें पहली बार मिला और शायद आप कई बार देखे भी हैं। कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, क्या ऐसा कोई शख्स है जो अपना सारा घर गिरा करके और ऐसे सांपों को बचाने के लिए पूरी मेहनत करता हो? नहीं ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट प्यारा कर दीजिएगा। हाँ दौड़ेगा दौड़ेगा, थोड़ा सा धुल दीजिए पहले। हाँ हाँ धुल दीजिए बस थोड़ा सा यार। बहुत बड़ा है दोस्तों, ये लगभग 4.5 फीट के आसपास का है, काफी पुराना है और इसको देख करके ऐसा लगता है खाए पिए घर का है, अच्छे परिवार से ये रहता था। जी सर। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से जीव जंतुओं को बचाने में हमारी मदद करें। आप देख सकते हैं इधर जेसीबी भाई सब लेकर के खड़े थे और पूरे दल बल के साथ इसे कैच किया गया। दोस्तों ये नर है, नर और मादा दोनों साथ रहते हैं। लाइए इधर लाइए। सर ये लगभग 22 से 25 साल के आसपास का है, तो इसके काटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे हम पैक करते हैं डिब्बे में, और इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। तो दोस्तों इसके मुंह को पकड़ना बहुत जरूरी नहीं समझते, हालांकि अपना अपना काम है, हर कोई इसे नहीं कर सकता है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, देखते हैं ज्यादा है। भैया शांत शांत रहिए। तो दोस्तों जो बड़े साइज के सांप होते हैं उनकी एक खासियत ये होती है काफी सेंसिटिव होते हैं और काफी समझदार होते हैं। तो चलिए बड़े आराम से डिब्बे में पैक हो गया, इसे हम पैक कर देते हैं, और इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। चलिए हम इसमें ऑक्सीजन लेने के लिए बनाते हैं सर, दिखाते हैं आपको, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। जो आप लोगों ने अभी तक वीडियो में देखा और आज रियल देखा, सही है। तो दोस्तों ये बेजुबान है, इनको बचाना अपना परम कर्तव्य है, आप ही बचा सकते हैं इस वीडियो को देख करके। तो इसी को गांव में अक्सर खटार के नाम से भी जानते हैं और इसी को गेहूं भी कहते हैं।
चलिए दोस्तों हम इसे नीचे भेजते हैं। तो हमारे साथ में सहपाठी खड़े हैं सर। तो दोस्तों एक बार फिर से इसकी खुदाई होगी और पूरी तरीके से छानबीन किया जाएगा, हो सकता है डबल हो, तो ऐसे में दिखाना तो जरूरी है, नजरें बनाए रखिए, अगर होगा तो वो भी आपके सामने होगा। चलिए सर, कोबरा साहब के कई अंडे भी थे और दो चार बच्चे भी हैं। यही है ना, खींचिए नहीं खींचिए। वाह, आप दिखाएंगे बिल हो तो दोस्तों सबसे खास बात ये है कि चलते चलते हम आपसे काफी दूर निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खुदाई हो रही है, जेसीबी भी लगी है, घर को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया, यानी गिरा दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया, यूं कह लीजिए। तो इतनी खोजबीन के बाद दो चार अंडे मिले हैं कोबरा सांप के और एक बिग साइज का काफी मोटा कोबरा सांप मिला। तो चलिए देखते हैं अगर एक मिलता है या नहीं मिलता है। बट दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए